हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, हमने अभी आपसे करंट अफेयर सुबह 7 बजे वाली क्लास में कहा था कि एक सीरीज आएगी, मतलब 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या आज दिन भर भी हो सकता है। आपके काम की जो जो सब्जेक्ट हैं उनमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, दो पॉइंट याद रखना। अगर ये दो पॉइंट आपने पिछले साल भी जिन बच्चों ने किया था उनसे बात करना, उनको भी ये अनुभव है कि ये दो चीज़ें जिनको पता है उनका रिजल्ट हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे इसमें लॉ वाले बच्चों के लिए लीगल स्टडीज। माफ करना, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के हो तो आप 9 बजे का इंतजार करो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। लीगल स्टडीज होता क्या है, इसकी सिलेबस क्या है और इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट हो। मतलब आपको मास्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, वो तो आप कॉलेज में जाके बनोगे, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, जिसके बदौलत आप जा करके एग्जाम दो और उसमें आप क्रैक करो और फाइनली सेलेक्टेड हो। बहुत छोटी ये वीडियो होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें मुझे बात करनी है। फालतू की चीज़ें मेरे इस चैनल पे नहीं मिलेंगी आपको। बड़ी बड़ी बातें करने वाली एक एक घंटे की वीडियो बनाओ, काम का उसमें कुछ भी नहीं रहता है, ये नहीं रहता है, ठीक है। तो लीगल स्टडीज होता क्या है और इसका सिलेबस क्या है, चलिए देखते हैं। लीगल स्टडीज व्हाट, पहले समझ लो, क्योंकि ये समझ जाओगे ना तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। लीगल स्टडीज रेफर टू एन एकेडमिक एंडेवर फोकस्ड ऑन लर्निंग लॉज। क्या होता है ये, एक ऐसा प्रयास है लीगल स्टडीज का जो सिलेबस है आपको लॉ सीखने पे, लॉ को सीखना जानना दोनों दो चीज है। सीखना मतलब आपको उसके आगे लेवल पे जाना है, और जानना का मतलब क्या, ऐसे कॉमन मैन की तरह जानना, जैसे न्यूज़पेपर में आता है, समझ रहे हो आप लोग। तो लॉ क्या करता है, ये एंडेवर करता है, ये प्रयास करता है कि लॉ सीखा जाए, लीगल स्टडीज, लर्निंग हाउ टू अप्लाई दोज लॉ। और कैसे अप्लाई करोगे आप, लर्न करोगे, सोचोगे उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए लीगल स्टडीज में जो क्वेश्चन आते हैं या आए हुए हैं 2021 के भी पेपर मैंने सॉल्व कराए हुए, उसमें देखना प्रिंसिपल एप्लीकेशन दिया हुआ है कि आप अप्लाई कैसे करोगे। लर्निंग हाउ टू प्रोसेस ट्रांजैक्शन एंड लीगल क्लेम्स ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स, ये भी प्रिंसिपल दिया हुआ है। आप देखोगे अगर प्रिंसिपल और फैक्ट वाली क्वेश्चन जो हमने लीगल स्टडीज में कराई है, लीगल मैगजीन, लीगल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, लीगल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, उसमें क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है। क्लाइंट का कैसे सेटलमेंट करना है, उसके बिहाफ पे कैसे एडवोकेसी करनी है, कैसे बात करनी है। दो मोस्ट पीपल थिंक ऑफ द लॉ स्कूल व्हेन दे हियर द टर्म लीगल स्टडीज। बहुत लोग ऐसा सुनते हैं, जैसे अभी आपके साथ हो रहा है, लीगल स्टडीज कैन बी परस्यूड इन हाई स्कूल ऑल्सो। हाई स्कूल मतलब ये विदेशों में तो हाई स्कूल में ही इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, अंडर ग्रेजुएट वर्क, लॉ स्कूल, रीडिंग फॉर द बार एंड मेनी मोर थिंग्स। अगर आप इतने में सीख जाते हो तो ये लीगल स्टडीज के अंतर्गत आ जाएगा, कहीं भी आप सीख सकते हो, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको यही सीखना है इसी प्लेटफॉर्म पे या इतना ही जानना है, समझ रहे हो आप लोग। तो लीगल स्टडीज क्या होता है, समझ में आ गई, एक लर्निंग डेवलप करना है आपका लॉ के प्रति, कि आप वो लर्न करो जो आपके काम की चीजें हैं, लॉ में आपके काम आएंगी, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा देखो, मैंने 4-5 पॉइंट में बहुत प्यार से, बहुत आराम से रख दिया है। अगर इसको आप देखोगे ना, मेन पॉइंट मैंने इसे नाम दिया है, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा समझना। बहुत ज्यादा मैं लिख दूं कोई फायदा नहीं होगा, आपको समझ में ना आए, आपके काम का ना हो। सबसे पहले लॉ रिलेटेड न्यूज, जैसे अभी हिजाब रूल चल रहा था, कुछ दिन पहले 3 तलाक की बातें हुई थी, उसके पहले बहुत सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं, कृषि कानून, लॉ का एस्पेक्ट उसमें क्या है, मतलब पॉलिटिक्स क्या है, इससे आपका कोई वास्ता नहीं है। लॉ एस्पेक्ट क्या करना, लॉ क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स की उसमें बात है कि नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसे कहते हैं, ये उसमें इंक्लूड होता है। हर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट का लॉ एस्पेक्ट होता है, और हर लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अप्रूवल मिलता है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। कोई भी कानून तभी बनेगा ना जब पार्लियामेंट हमारी वो पास करेगी, और हर कानून का एक मतलब हर जो बिल होता है उसका एक लीगल एस्पेक्ट होता है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना। तो वैसे न्यूज़ हमें ध्यान रखने हैं, उससे संबंधित करंट अफेयर्स भी हमें ध्यान रखना है, कौन सा सुप्रीम कोर्ट के जज कितने नंबर के हैं, वो कहाँ से हैं, कितने नंबर, ये पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लीगल स्टडीज में आता है। उन्होंने कौन सी बड़ी किताब लिखी है जो लीगल सिस्टम के लिए एक पिलर साबित हुई है, समझ रहे हो आप, मतलब छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिए। बेयर एक्ट्स इन न्यूज़, अब बेयर एक्ट क्या होता है, मतलब आईपीसी में धारा 302 में मर्डर की सजा सुनाई जाती है, 301 में मर्डर को प्रूफ किया जाता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 420 मतलब धोखाधड़ी, ये सब बेयर एक्ट है।
इसमें से 50 ही पूछे जाएंगे। बेयर एक्ट कहीं भी डाउनलोड कर लोगे आप, बेयर एक्ट लिखोगे आईपीसी, आपको ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने का, प्यार से डाउनलोड करके पढ़ लेना। और उसमें अगर ये लिख दोगे कि बेयर एक्ट फॉर LLB एंट्रेंस एग्जाम, तो वो और क्लियर करके छांट के आपको देंगे, क्योंकि बेयर एक्ट तो 500-600 है। आप लॉ जब पढ़ोगे तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। तो अब ये सोचो, बहुत लोग ये सोचेंगे सर हम उसको पूरा रट जाते हैं, रट जाओ, टाइम जाएगा तुम्हारा, उससे कुछ नहीं जाएगा। उसमें 4-5 जो न्यूज में रहता है जो सब कुछ जानना चाहिए, ठीक है, वो आपको याद करना है। ऐसा नहीं है कि अब एक एक धारा, उसको कहते हैं धारा, एक एक आप याद करो, एक एक मतलब उसका आईपीसी एक्ट याद करो कि ये के तहत क्या कहा गया। कोई जरूरत नहीं, आपको ना दरोगा बनना है, आपको ना एसपी बनना है अभी ना, फिलहाल अभी आपको एंट्रेंस क्लियर करना है, तो उसमें से कुछ ही पूछे जाएंगे। एक जनरल ओवरव्यू देख भी लोगे ना आपको याद हो जाएगा। और न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, अगर आपको द हिंदू रोज न्यूज़पेपर चाहिए या कोई भी पेपर चाहिए तो कमेंट करो, मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा, ये भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। लीगल प्रिंसिपल फैक्ट और लीगल मैगजीन, याद रखना ये दोनों दो चीज़ है। लीगल मैगजीन जो हमारी है ना, उतना अगर पढ़ लोगे ना तो ये लॉ का जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है आप निकाल लोगे, मेरा ये वादा है। मेरे जितने भी बच्चे निकाले हैं वो उन्हीं में से पढ़ के निकाले हैं, कुछ नया नहीं आता है, एक ही चीज को ट्विस्ट करके पूछते हैं, आप फंस जाओगे, क्योंकि वो लैटिन वर्ड होते हैं। लीगल मैगजीन इंग्लिश होते नहीं है, हिंदी होते नहीं है, वो लैटिन वर्ड होते हैं। तो लैटिन कहाँ से सीखोगे भाई, आपने हिंदी अच्छे से नहीं सीखी, इंग्लिश अच्छे से नहीं सीखी, लैटिन कहाँ से सीखोगे, तो वो आपके काम का आएगा। तो प्रिंसिपल बेस्ड फैक्ट आएंगे आपके, आपने क्वेश्चन में भी देखा होगा, प्रिंसिपल देगा, फैक्ट देगा, आपको उसे प्रूफ करना है, सोचना है, लर्न करना है, इसीलिए इसे लीगल मैगजीन कहते हैं। मोटा मोटी इतनी ही चीजें हैं, इसको अलग अलग पॉइंट में पूछ सकता है, असर्शन रीजन करके पूछ सकता है, आपको एक फैक्ट दे देगा, बोलेगा इसके साथ ये घटना हुआ, तो आप सोच के बताओ कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें से क्या होगा, है ना। तो ये दोनों चीजें आप तभी कर पाओगे मेरी भाई, जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, रीडिंग हैबिट डेवलप करोगे, ठीक है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चीजों का आप लोग ध्यान रखो, है ना। और इसमें मेन चीज यही ध्यान रखना है कि अपनी लॉ स्पेशलाइज्ड जो लर्निंग है उसको बढ़ाओ, समझो हर पार्ट का लीगल एस्पेक्ट समझो। कोई भी न्यूज आती है, ठीक है, कोई चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट पे और हाई कोर्ट पे, खास करके जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब वाला दिया है, उसकी वजह से काफ़ी माहौल बदला हुआ है, तो वो आपको सीखना है, समझना है। इसमें इतना ही रहेगा, पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, लीगल मैगजीन, जितनी भी प्लेलिस्ट है लॉ वाली, आपके बहुत काम के, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर है, सब देखो समझो। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करो, मैं लेकर के जरूर आऊँगा। थैंक यू सो मच।